पहले तो मैं एक शेर जो मैं इस बीच लिखा था, मैं उसी शेर से शुरुआत करता हूँ, क्योंकि हम सभी प्रयागराज के, मतलब इस इलाहाबाद, पूर्व नाम इलाहाबाद में ही रहे हैं, और यहाँ पर रहने वाला हर विद्यार्थी कहीं ना कहीं संघर्षशील होता है। तो मैं अगर श्री राम जी के वनवास को उस संघर्ष के काल में जोड़ूं, तो वो श्री राम का जो काल रहा है, अगर उसको हम संघर्ष समय सभी लोग का माने, तो हर विद्यार्थी का अपना एक संघर्ष समय होता है, किसी का एक साल, किसी का दो साल, श्री राम जी के 14 साल, तो हमारे भी कुछ रहे हैं। तो उसी पर हमने लिखा कि संघर्ष बिना जो जीता है, संघर्ष बिना जो जीता है, वो जीता कोई खास नहीं, दुनिया में कोई राम नहीं जिसका अपना वनवास नहीं। और कुछ शेर और थे कि जैसे कि मैंने लिखा था कि दरिया इतना जो पानी लेकर बहता है, दरिया इतना जो पानी लेकर बहता है, भीतर कोई कहानी लेकर बहता है। और फिर मैंने लिखा था एक शेर और था कि किसका कितना हिस्सा है, किसने कितना पाया है, कुछ बातें जो अनसुलझी हैं सब भोले की माया है। जो बातें अनसुलझी हैं सब भोले की। और मैं एक अभी इस बीच में फिर एक शेर लिखा कि जीवन में इतनी बाधाएं, जीवन में इतनी बाधाएं, हर बाधाएं ढोए हैं, दिन का जगना तो लाजिम है, दिन का जगना तो लाजिम है, रातों के सपने खोए हैं। अच्छा मसला, हाँ, ये जिस दुनिया को हम जीते हैं, जिस दुनिया को हम जीते हैं, कोई क्या ऐसे जीता है, जिस दुनिया को हम जीते हैं, कोई क्या ऐसे जीता है, अगर जीता है तो सोचो फिर मसला कितना संजीदा है। मैंने हर सबके हिस्से में लिख दिया, फिर एक खुददारी पे और गद्दारी पे मैं उस पे लिखता हूँ कि जब शीश कटे हम धड़ से लड़े, जब शीश कटे हम धड़ से लड़े, और लड़ते रहे हैवानों से, बाजी हमने हारी कैसे, बाजी हमने हारी कैसे, ये पूछो तुम गद्दारों से। बाकी मैं यहाँ पर जितने भी लोग हैं, जैसे कि कर्ण का, हाँ कर्ण की मैं कुछ लाइनें, क्योंकि वो मेरी इपिक है, मेरी ज़िंदगी की सबसे जुड़ी हुई लाइनें हैं, जिसको मैं, मतलब हम सबके साथ जुड़ी हुई हैं। मैं कर्ण का भी उसी लाइन को पढ़ता हूँ, उसके बाद फिर मैं अपनी जगह लूँगा, और मैं चाहूँगा त्रिनेत्र को, अनुराग को सुनूँ, क्योंकि इतने अच्छे, आज पता चला प्रियांशु बहुत बढ़िया पढ़ा था, उसको भी नहीं सुन पाया मैं, बिस्मिल इतना बढ़िया पढ़ता था, तहजीब को भी नहीं सुन पाया। तो बेसिकली ये था कि नए लोग थे, ये आज था कि आज हम पहले ही आ जाएंगे, लेकिन ऐसा पॉसिबल ही नहीं हो पाया, तो वीडियो के माध्यम से देखा जाएगा। तो कर्णकाव्य में पढ़ता हूँ कि ना युद्ध विषय की बात थी और ना ही युद्ध किया मैंने, ना युद्ध विषय की बात थी और ना ही युद्ध किया मैंने, दुर्योधन को जो वचन दिया उस वचन के खातिर लड़ा मैंने। ना युद्ध विषय की बात थी, ना ही युद्ध किया मैंने, दुर्योधन को जो वचन दिया उस वचन के खातिर लड़ा मैंने, हूँ राधे अनंत समय का, उन्हीं की आँख का तारा हूँ, और जिस रण में भगवान लड़े, जिस रण में प्रभु आप लड़े, मैं पहले से ही हारा, पर है हुंकार और प्रण माधोये, हार नहीं मानूंगा, जब तक शीश जुड़े हैं धड़ से, बाण से प्राण में मारूंगा, और युद्ध से पहले हार मान लूं ये शोभा ना सिंघन की, और बीच युद्ध में पाँव खींच लूं फिर जीना पाऊं छड़ भी। कर्ण कोई जात धर्म, कर्ण कोई काया है, पौरुष बल पर जो लड़े सदा, उसमें ही कर्ण समाया है, माधव विनती बस इतनी है, वैभव न किसी से छीना जाए, हकदार है जो जिन चीज़ों का, उस रूप में उसको मिल जाए। तो अंतिम में कर्ण अपने विषय में कहते हैं कि भाग्य विवश की प्रचंड प्रबलता और नीति इतनी क्रूर रही कि सूर्य पुत्र की संज्ञा लेकर जीवन रश्मि से दूर रहे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, वो एक ही तरन्नुम का गीत जो हम हर मंच पे है, और मुझे लगता है कि सभी का एक पंच लाइन होता है कि जिसके लिए वो, जैसे इसका है कि मुझे लगता है कि पंखा हवा देता है, तो और इससे पहले कि नवंबर में, जैसे सबका वैसे यादें का एक मुखड़ा और एक अंतरा, ये हाँ एक मुखड़ा और एक अंतरा में गीत तरन्नुम में गीत गा रहा हूँ कि यादें ही यादें अब रात दिन, तुम बिन जहाँ में गुजारा कहाँ,
यादें ही यादें, अब रात दिन तुम बिन जहां में गुजारा कहां। ये बारिश की बूंदें, ये नदिया का पानी, ये बारिश की बूंदें, ये नदिया का पानी, कहीं तो मिलेंगी किनारा जहां। यादें ही यादें, अब रात दिन तुम बिन जहां में गुजारा कहां। एक उसका बन सुनिएगा कि हर पल वो हारे हैं, हर पल वो हारे हैं, जो बिन तुम्हारे हैं, तुम बिन कहीं दिल ये लगता नहीं। सपने अधूरे हैं, तुमसे ही पूरे हैं, ख्वाबों का मंजर ठहरता नहीं। बेख्याली अब रात दिन है, ख्वाबों का घर बसाए कहाँ। यादें ही यादें, अब रात दिन तुम बिन जहां में गुजारा कहाँ। थैंक यू सो मच।